भारतीय वायुसेना के काफिले पर 4 मई को पुंछ में आतंकवादियों ने हमला किया था। पुंछ सेक्टर में घात लगाकर किए गए हमले के बाद घायल जवानों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल वायु सैनिकों में से एक अपनी जान की बाजी हार गया, जिसके बाद से सेना के जवान पूरी मुश्तैदी के साथ जांच में जुटे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने पुंछ जिले के शाह सितार इलाके में कड़ी सुरक्षा जांच जारी रखी। वे गाड़ियों को रोककर डॉग स्क्वाड के साथ बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। सेना के जवान हाथ में हथियार लिए सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। यही नहीं, वे संदिग्ध लोगों के पहचान पत्र आदि की भी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। यह हमला पुंछ के सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ था, जिसके बाद भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में भेजी गई हैं। हमले के तुरंत बाद से ही राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमला करने वाले आतंकियों की तलाश कर रही है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF ने ली है। आतंकियों ने सोशल मीडिया पर हमले वाली जगह की तस्वीरें भी शेयर की और हमले में M4 राइफल का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया।